बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ए डी एम न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त अबरार खान। आपको बता दें कि आज मोरखा 28 जून 2024 है। आज से श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज़ शुरू हो चुका है। आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर निगरानी में हरी झंडी दिखाकर पहला काफिला श्री अमरनाथ यात्रा का वादी कश्मीर की तरह रवाना किया गया है। जूँ ही ये काफिला ज़िला रामबन की हदूद के अंदर पहुंचा तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर और दीगर इंतज़ामिया ने इनका वालहाना इस्तकबाल करके वहां से सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच बानिहाल की तरह रवाना किया गया। जूँ ही ये यात्रा बानिहाल में पहुंची तो बानिहाल में इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया, जिसमें यहाँ वालहाना इस्तकबाल करके यहाँ के SDM तहसीलदार बानिहाल और दीगर ऑफिसरान मौजूद रहे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ देर के लिए रेस्ट किया और खाना खा के यहाँ से इनको सिक्योरिटी के बीच वादी कश्मीर की तरह भेजा जाएगा। और वादी कश्मीर में इसके दो रूट निकलते हैं, एक पहलगाम का रूट है और दूसरा बालतल का रूट है। दोनों रूट से केव के दर्शन किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेज की, तो दोनों फोर्सेज हर कोई फोर्स बखूबी अपने फराइज अंजाम दे रही है।